हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दी रिएक्शन टाइम। तो भाई लोग, आज बात करेंगे गार्डन ऑफ दी गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के ट्रेलर के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट और एक गलती जो नहीं पता कि उन्होंने जानबूझकर करी है या बाय मिस्टेक उनसे हो चुकी है। तो करते हैं वीडियो चालू। तो फैक्ट नंबर वन ये है कि कुछ लोग इसे समझ रहे हैं कि ये गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का थर्ड प्लेसमेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशल शो है, स्पेशल प्रेजेंटेशन है। जब हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट देखा था और आई एम ग्रूट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार शो में से एक होने वाला है जो सिर्फ चुनिंदा ही है। जिस फैक्ट नंबर टू, तो फैक्ट नंबर टू ये है कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी अपने पूरे एमसीयू की हिस्ट्री में सिर्फ दो ही बार अर्थ पर आए हैं, जिसमें से पहला है एंड गेम बैटल और दूसरा 2022 का क्रिसमस जो अभी आने वाला है। फैक्ट नंबर थ्री ये है कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर हैं जेम्स गन, और उन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आज आप और मैं गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के लिए ओवर एक्साइटेड रहते हैं। जबकि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का कॉमिक में कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं था और ना ही उन्होंने उनको कॉमिक्स में कुछ खास पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन जेम्स गन के ज़बरदस्त डायरेक्शन, म्यूजिक एंड कलर चूजिंग की वजह से गार्डन ऑफ द गैलेक्सी आज हम सबके फेवरेट बन चुके हैं। फैक्ट नंबर फोर, केविन बीकन गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में एज केविन बीकन ही नजर आएंगे, और केविन बीकन के बारे में कौन नहीं जानता। ये हॉलीवुड के बेस्ट एम बेस्ट एक्टरों में से एक हैं जिनका काम हमें काफ़ी पसंद आता है। फैक्ट नंबर फाइव, तो फैक्ट नंबर फाइव ये है कि इस ट्रेलर में जो डॉग दिखा है जिसका नाम है कोस्मो, वो हमें 2014 में भी दिख चुका है गार्डन ऑफ द गैलेक्सी में, लेकिन मिस्टेक ये है कि उस टाइम पर वो डॉग एक लैब्राडोर था जो कि कलेक्टर के कलेक्शन में था, और अब 2022 में ये डॉग गोल्डन रिट्रीवर हो चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कैसे, शायद मार्वल वालों ने गलती कर दी है या बाय मिस्टेक उनसे हो चुकी है, तो अब इसके बारे में तो मार्वल वाले ही जाने। मुझे दिखा तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ये फैक्ट नोटिस करे थे और क्या ये मिस्टेक आपने नोटिस की थी या नहीं। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ज़रूर से, क्योंकि आपके शेयर से ही ये चैनल बड़ा बन सकता है। और इस चैनल पे अगर कहीं से भी नए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।